हेलो बच्चों, मैं प्रवीण सागला, क्लास 11 फिजिक्स पढ़ाएंगे, है ना। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर भौतिक जगत तथा माप, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। लेकिन उससे पहले हम फिजिक्स के बारे में देख लेते हैं कि फिजिक्स है क्या वास्तव में। फिजिक्स से पहले हम बात करते हैं साइंस की, इसकी बात करते हैं साइंस। साइंस हमने पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। क्या पढ़ा था? कि साइंस का मतलब होता है विशेष ज्ञान, यानी बोले हम व्यापक रूप से कि प्रकृति का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की ही एक शाखा है कौन? भौतिक विज्ञान, जिसे मैं पढ़ाऊंगा और हम भी पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट होने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान जो था वो किस प्रकार से लिखते थे, कुछ वही लिखा है। ये जो वर्ड लिखा है मैंने, ये जो वर्ड है, ये क्यों सिग्मा जो है, ये जो है 15th century मतलब 15वीं शताब्दी का ग्रीक लेटर है। कौन सा है ये? ये है हमारा 15वीं शताब्दी का ग्रीक लेटर। हाँ सही बोला, ये ग्रीक वर्ड है, कुछ इस प्रकार से लिखा गया था जो आजकल नहीं चलता है। इसी का मतलब होता है नेचर। क्या होता है मतलब? नेचर का मतलब क्या हुई? प्रकृति। तो इसी नेचर से हमारी बनी है क्या? फिजिक्स। फिजिक्स का मतलब क्या? बहुत ठीक है। तो इसी नेचर से हमें क्या बनी है? फिजिक्स बनी है। है ना, इसको उतारो। तो फिजिक्स का मतलब नेचर, नेचर से बनी क्या? फिजिक्स। और फिजिक्स है क्या? फिर तुमने देखा होगा दिनों रात का होना, ये ठंडी गर्मी बरसात का होना, ये बादों का बनना, इंद्रधनुष का बनना, तुम्हें स्कूल में तुम्हारी आवाज आ रही तुम्हें सुनाई देना, जितनी चल लाइट है, बोर्ड है, टेली स्क्रीन पे जो मुझे देख पा रहे हो, सब इसके कारण है, फिजिक्स के कारण है। तो यूं बोला जाता है कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। क्या है? फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। केमिस्ट्री वाले बच्चों, मैथमेटिक्स वाले बच्चों, लाला ले रहो, लेकिन ये मैं नहीं कहता, जमाना कहता है। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है? व्याख्या की जाती है। लिखते सबसे पहले कि फिजिक्स है क्या, है ना। फिजिक्स को बोलते हैं हिंदी में क्या? भौतिक विज्ञान। तो डेफिनेशन लिखे, फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। ये है जनरल डेफिनेशन फिजिक्स। फिजिक्स ग्रेविटी से बना, नेचर से बना, नेचर से मतलब क्या? जो भी बारिश होना, गर्मी होना, ठंडी होना, सब कुछ क्या आता है? फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की, विज्ञान की शाखा है प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो ये फिजिक्स है।
इसी धीरे से हम आगे बढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी घटना है और धीरे से ज्यादा ज्वालामुखियों का फूटना इसी से है ना। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप ये फर्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर वन आप स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है भौतिक जगत तथा माप भौतिक जगत तथा माप ठीक है। मैं निराश हूं बच्चों क्या है भौतिक जगत तथा माप। सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं हम भौतिक राशियां, क्या लिखते हैं भौतिक राशियां। जिन्हें नापा या वे राशियां जिन्हें नापा या तोड़ा जा सके। बोला से क्या होती है वे राशियां जिन्हें नापा या तोड़ा जा सके उसे क्या कहते हैं हम भौतिक राशियां। यह दो प्रकार की होती है भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है ये दो प्रकार की यह दो प्रकार की होती यह दो प्रकार की कौन कौन सी। फर्स्ट है मूल राशि दूसरी है व्युत्पन्न राशि फर्स्ट है हमारी मूल राशियां सेकंड है कौन सी व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां आगे पढ़ते हैं इसको लिखते हैं कहां गए बाकी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी ढूंढिए। अब देखते हैं निम्न से मूल राशि मूल देखने से क्या है तो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती उसे हम क्या कहते हैं मूल राशि। वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है मूल राशि कौन सी। वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है मूल राशियां कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखे हम द्रव्यमान
समय, लंबाई, ये सारे मूल राशि है, तो किसी अन्य राशि पर विभाग नहीं करना है। साथ के साथ लिखते जाए इसको। मूल राशि हो गए, दूसरा प्रकार है हमारे मूल का मूल आशय जो किसी पर निर्भर नहीं करती, विपर आशय वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती तब उसे से ही बनाई जाती है। देखिए कैसे विपर आशय वे राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होती है तथा जो मूल राशि पर निर्भर करती है वे राशियां जो मूल राशि से उत्पन्न होते हैं तथा जो मूल राशि में क्या करती हो निर्भर करती हो उसे क्या बोलते हैं आप उत्पन्न राशि। उदाहरण के रूप में देखें बल, संवेग, वेग आदि कौन सी राशियां हैं हमने पढ़ा भौतिक राशि होने वाला है क्लास 11 के लिए क्लास 12 के लिए नेक्स्ट इंडाली क्या मात्र क्या है तो पढ़ा है मात्र वगैरह लेकिन मात्र में जो हम मात्र यूज करते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है। मात्र जिसे हम बोलते हैं बल का मात्र हो गया न्यूटन हो गया, द्रव्यमान का मात्र किलोग्राम हो गया, समय का मात्र सेकंड हो गया। वैसे ही मात्र जैसे जो जो हम मात्र लगाते हैं तब की पहचान मात्र है। तो मात्र की डेफिनेशन है किसी भौतिक राशि को मापन के लिए नियत किए गए मात्र। ठीक है, साथ ही साथ मात्र क्या है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मानक मात्र क्या है किसी भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मानक को क्या कहते हैं हम। ठीक है, अब मात्र क्यों ऐसा बोला जाता है देखो अगर मैं सिर्फ लिखता हूं 5 मैं लिख लिया 7 लिख लिया 8 इसका कोई मतलब नहीं है किसी 5 से 7 8 क्या है कि संख्या है लेकिन अगर मैंने पीछे कुछ बिल्कुल मात्र लगा दिया जैसे 5 मीटर 7 किलोग्राम 8 लीटर 4 सेकंड जैसे मात्र लगा दिया इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर क्या है एक बल क्या है बल 7 किलोग्राम लगा दिया इसका मतलब क्या है द्रव्यमान 8 मीटर इसका मतलब ये लंबाई है 8 मीटर क्या है लंबाई है 4 सेकंड मतलब टाइम के बारे में बता रहा
तो अगर मैं मातक नहीं लगाता हूँ तो हमें नहीं पता चलता कि कौन सा बल है, कौन सा लंबाई का मातक है, कौन से समय की बात है। लेकिन अगर मैंने मातक लगा दिए तो हम पहचान जाएंगे कि ये बल है, ये द्रव्यमान है, ये लंबाई है और ये क्या है, समय। जैसे मातक का ये है ना, जिसे लगाया और तो पता चल जाता है कि ये मुझे भौतिक राशि को बता रहा है। लेकिन नीट वगैरह कंप्यूटर का एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या है कि हमें पता है लेकिन तब भी हम नहीं बता पाते हैं। क्या किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि का, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यानी बोले आंतरिक मान, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान यानी बोले आंतरिक मान उसके मात्रक के, उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बहुत इम्पोर्टेंट आई है एग्जाम में, बहुत पूछी गई, बहुत बार आया हुआ है। अभी समझते हैं क्या है, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, जैसे मैंने बोल दिया ये संख्या को मान ले, बोल दे ये मात्रक है तो ये हो गया हमारा संख्यात्मक मान। यहाँ पर जहाँ U जो है यूनिट, जिसे आप इंग्लिश में बोले यूनिट, तो ये हो गया मात्रक। और S जो है वो है संख्यात्मक मान यानी बोले आंकिक मान। ठीक है, तो U है इसको उल्टा ऐसे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है। क्योंकि कोई बोलता है कि मात्रक जो होता है संख्यात्मक मान के व्युत्क्रमानुपाती है, या यूं बोले कि संख्यात्मक मान जो होता है मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों एक ही बात है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं हम कि कोई भी मात्रक, कोई भी संख्या जो होती है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या यूं बोल सकते हैं कि कोई भी संख्या जो होती है उसके मात्रक जो होता है संख्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रखे जो अगर भी बढ़ाने पर आए तो क्या हो गया, समानुपाती। लेकिन अगर एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज घट रही है, एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज घट रही है, इसका मतलब क्या है, वो व्युत्क्रमानुपाती। लिखने का तरीका किस प्रकार से होता है, एक बटे लिखते हैं, ध्यान रखे ये बहुत बार आगे काम आएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इसके समानुपाती क्या होगा। अगर समानुपाती का मतलब ये है, अगर किसी चीज को बढ़ाया जाता है और दूसरी चीज की बढ़ती समांतर, तो वो होती समानुपाती। या यूं बोले अगर एक चीज को बढ़ाया जाता है और दूसरी बिल्डिंग उसी के समांतर घट जाती है, तो वो बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। याद रखें इसी, ठीक है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं n1 u1 बराबर n2 u2। एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है, कौन सा कथन सत्य है बोल देंगे, n1 u1 बराबर n2 u2। तो नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पर n1 u1 बराबर n2 u2। ठीक है, अब इसको समझते हैं क्या है। अगर इसमें वैल्यू लिखता हूं तो मैंने ऐसा लिखा है, देखो जैसे मैंने लिखा 5 किलोग्राम, ये क्या है उसका संख्यात्मक मान है, क्या है ये संख्यात्मक मान, ये क्या है उसका मात्रक। ठीक है, अब 5 किलोग्राम संख्या हो गई और ये हो गया हमारा मात्रक, ये हो गया हमारा क्या
ये हो गया हमारा क्या एल वन, ये हो गया हमारा क्या यू वन, ठीक है ना, ये हो गया हमारा एल वन, ये हो गया हमारा क्या, ये एल वन है, ये क्या है। अगर मैं 5 किलोग्राम को ऐसे भी लिख सकता हूँ 5000 ग्राम, ये हो गया हमारा क्या एन टू, ये क्या हो गया, ये एल वन था और ये देखो तो संख्या तो मान उसके आधी मान के मानुपाती होता है, लेकिन जैसे इसकी वैल्यू बड़ा हो गई उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है, कम हो गई इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट भी ना है सिस्टम ऑफ यूनिट मात्रकों को की पद्धतियां, मात्रकों की किन प्रकार की होती है, मात्रकों की पद्धति कितनी होती है, मात्रकों की पद्धतियां तीन प्रकार की होती है। सबसे फर्स्ट सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड सीजीएस, दूसरी मीटर सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, दूसरी होती है मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, ठीक है। लास्ट थर्ड होती है फुट, पाउंड सेकेंड, एफपीएस इसका दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, मतलब ब्रिटिश समय बनाए स्टार्टिंग ये भी थी, इसी इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोला जाता है। पहले कौन से सेंटीग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति सीजीएस, दूसरी है एमके मीटर किलोग्राम सेकंड, तीसरी लास्ट है फुट पाउंड और सेकंड। फर्स्ट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर सीजीएस पद्धति के अंदर है ना, फर्स्ट ये वाले सीजीएस पद्धति, अब सीजीएस पद्धति के अंदर बहुत इजी है फिजिक्स, ध्यान रखें बहुत इजी है सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति के अंदर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब हमें समझ में आता है कि लंबाई को मापने के लिए हम सेंटीमीटर यूज करेंगे, द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम यूज करेंगे और समय को मापन के लिए हम क्या यूज करेंगे सेकंड। वैसे एमकेएस में लंबाई को मापने के लिए मीटर, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम, समय को मापने के लिए सेकंड। सेम एफपीएस मीटर लंबाई को मापने के लिए फुट, द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड, समय को मापने के लिए सेकंड। तीनों ही पद्धतियों में एक चीज कॉमन है सेकंड, समय को मापन के लिए हमेशा हम क्या करेंगे सेकंड का ही यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं सीजीएस पद्धति के अंदर लंबाई क्या है, इस पद्धति के अंदर ले सकते हो कि इस पद्धति के अंदर लंबाई को, लंबाई का जो मापन होता है इस पद्धति के अंदर लंबाई का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई का जो मापन होता है वो सेंटीमीटर द्वारा होता है। सेम
लंबाई का जो मापन होता है वो किसके द्वारा होता है, सेंटीमीटर द्वारा। द्रव्यमान का मापन ग्राम द्वारा लास्ट, समय का मापन माफी रखता है, ठीक है, समय का मापन सेकंड।